Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. Hello class 9th students, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे एंड पढ़ाई भी कर रहे होंगे. जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हम लोग क्लास 9 का 2023 के एग्जाम्स के लिए एक साइंस का बेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को कवर करने वाले हैं. जैसे कि आपने क्लास 7 को पढ़ा, क्लास 8 को पढ़ा. जिन लोगों को नहीं मालूम है तो मैं उनको बता देती हूँ कि अभी हम लोग जो है लर्न साइंस के चैनल पर क्लास 7 को पढ़ा चुके हैं, क्लास 7 साइंस को, एंड क्लास 8 हम लोग कवर कर चुके हैं. पूरा सिलेबस हो चुका है एंड क्लास 8 की एंड क्लास 9 की अभी सोशल साइंस चल रही है. क्लास 8 की कंप्लीट हो चुकी है एंड क्लास 9 की जो सोशल साइंस है वो भी हम लोग लर्न साइंस पे पढ़ा रहे हैं. तो आप में से जिनको भी अगर लर्न साइंस पे पढ़ना है या फिर आपको साइंस पढ़नी है या सोशल पढ़नी है तो आप जरूर लर्न साइंस पे आइए एंड आपका वेलकम है. आप जरूर यहाँ से पढ़ सकते हैं एंड यू नो आप देखेंगे कि हमने कंप्लीट सिलेबस कवर किया हुआ है. साथ साथ ये है कि हमने पूरी बुक लाइन टू लाइन हमने कवर की हुई है. ओके सो अभी हम लोगों का नाइन्थ क्लास का बैच स्टार्ट होने वाला है 2023 के लिए, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को कवर कराएंगे एंड नाइन्थ की सोशल साइंस का बैच जो है वो आपका कंटिन्यूअसली अभी चल ही रहा है. और आपकी जो रेफरेंस बुक होगी वो एनसीईआरटी की होगी, क्लास 9 की, क्योंकि जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके ज़्यादातर जो रेफरेंस बुक ली जाती है, जो बेस रहती है, वो एनसीईआरटी का ही रहता है. सो इसी वजह से हमने एनसीईआरटी को ही पढ़ना है एंड ये बेस जो है वो आपका 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट होने वाला है और ये आपका एंड होगा 15 फरवरी 2023. ठीक है, तो मैंने कंप्लीट बेच की डिटेल इससे पिछले वाली वीडियो में भी बना दी है, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. यहाँ पे भी मैं आपको यही बता रही हूँ कि क्लास 9 के जो बेच है वो आपका 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट होने वाला है एंड 15 फरवरी 2023 को ये एंड हो जाएगा. एंड उसके बाद हम लोग जो है थोड़े से टेस्ट एंड वैसे तो मैं इसी के बीच में ही सारे टेस्ट, सारी तैयारी आपकी कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन फिर भी अगर आपसे रिदिम बनाने के लिए एग्जाम तक के मैं आपके साथ रहूंगी. ओके, और जो लेक्चर डिलीवरी होंगे वो सभी के सभी किसी ऐप पे नहीं होंगे, आपके यूट्यूब पे लर्न साइंस के जो चैनल है उसी पे ही आपको अवेलेबल होंगे. आप जो है 1 अगस्त से हमारे साथ जुड़िए. उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है. वैसे भी क्लास 9 के जो साइंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा. आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो लाइफ है और हमारी जो पूरा फेनोमेना है आसपास आपके वो कितनी शानदार तरीके से हो रहा है. ओके, इसमें बायोलॉजी में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी बड़ी है. बड़ी का मतलब ये है कि थोड़ा लेंथी सिलेबस है आपका क्लास टेंथ की कंपेरिजन में, बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ओके, तो आपके जो लेक्चर्स हैं वो आपके लर्न साइंस के चैनल पे आपको डिलीवर हो जाएंगे एंड लेक्चर जो डिलीवरी टाइम है वो आपका है 4 o'clock यानी कि 4 PM to 4:30 PM. इस बीच में आपका लेक्चर डिलीवर हो जाएगा. अगर किसी दिन कोई टेक्निकल इशू हो गया या कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो लेक्चर डिलीवरी टाइम है वो आपका 4 o'clock से लेकर के 4:30 PM के में, इस बीच में, इस ड्यूरेशन में आपका जो लेक्चर है वो आपका डिलीवर हो जाएगा. एंड लेक्चर ड्यूरेशन जो है वो आपका क्लास 8 के कंपैरिजन में मैंने थोड़ा सा आपका यहाँ पे लेंथी रखा है. लेंथी का मतलब ये कि थोड़ा बढ़ा दिया है इस वजह से, क्योंकि देखिए आपका लेवल भी हाई हो चुका है, तो आपको ये भी ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग भी क्लास 9th में आ चुके हैं, अगले साल आपको बोर्ड्स देने हैं. सो इसी वजह से मैंने भी मेरी ये कोशिश है कि भाई आपके कम लेक्चर में, आपको ज़्यादा लेक्चर्स ये नहीं कि बहुत सारे लेक्चर्स में करवा दूँ, आपको परेशानी हो कि मैम ने इतने सारे, इतना लंबा सिलेबस कैसे हो गया. तो इसी वजह से मैंने जो है लेक्चर के ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया है एंड लेक्चर के नंबर जो है वो आपके कम हो गए हैं. ठीक है, तो 1 आवर से लेकर के 1.5 आवर के का लेक्चर हो सकता है. ऐसा नहीं है कि बस 1.5 आवर तक ही आपका लेक्चर होगा. नो, जिस दिन की लेक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आपका लेक्चर हो सकता है 1 आवर में ही कंप्लीट हो जाए या 50 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए. ये कि 120 मिनट में आपका जो है लेक्चर कंप्लीट हो जाए, ये लेक्चर पर डिपेंड करेगा. ओके, एंड बस ये है कि मिनिमम आपकी 1 आवर तक रहेगा एंड मैक्सिमम जो है 1.5 आवर तक रहेगा. ओके, चलिए इतनी सारी बातें हो गई. वैसे ये सारी बातें जो है मैं आपको पिछली भी वीडियो में बता चुकी हूँ, साथ साथ ये कि हमारा पूरा लेक्चर प्लान या फिर लेसन प्लान जिसे हम बोल सकते हैं, ये मैंने आपको कम्प्लीटली पिछली वीडियो में बता दिया है कि हम लोग आगे कैसे बढ़ने वाले हैं. यानी कि हम लोग जो 1 अगस्त से लेकर के 15 फरवरी तक हम लोग जो जुड़े रहेंगे तो उसमें आपके कितने लेक्चर्स जाने वाले हैं एंड आपको कौन कौन से टॉपिक होने वाला है, ये कम्प्लीटली डिटेल जो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ. चलिए अब ये जो आज की मेन
आज का जो मेन टॉपिक था, या जिसे हम बोल सकते हैं कि आज की जो मेन चीज़ थी, वो यही थी कि मैं आपके लिए टाइम टेबल लेकर के आई हूँ। बहुत ही जनरल सा टाइम टेबल है, एक स्कूलिंग जो बच्चे कर रहे हैं या ऑफलाइन या ऑनलाइन जो बच्चे मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही जनरल सा टाइम टेबल है जो कि सभी बच्चे फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैंने आपके लिए कोई मतलब इधर उधर की चीज़ें नहीं डाली हैं, बस सिंपल सी बात है कि लर्न साइंस के आप उनके जो लेक्चर्स हैं उनको आपको कैसे मैनेज करना है, इसी वजह से मैंने ये छोटा सा टाइम टेबल आपके लिए बनाया हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे स्कूलिंग करते होंगे तो उनके लिए टाइम टेबल यही होता ही है। जैसे कि आप भाई स्कूलिंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग जो है वो 7 PM से लेकर के 2 PM तक रहती है, या 7 नहीं तो कुछ बच्चे थोड़ा सवेरे भी जाते हैं, ये कुछ बच्चे थोड़ा लेट भी जाते हैं, लाइक 8 बजे तक भी जा सकते हैं, तो इनकी स्कूलिंग का टाइम ये हो गया आपका। या कुछ बच्चे जो है उनकी जो छुट्टी होती है वो आपकी जो 2 बजे से लेकर के या 3 बजे तक भी हो सकती है, तो ये आपके स्कूल पे डिपेंड करते हैं। आपकी स्कूलिंग का टाइम जो है वो मतलब ऑन एन एवरेज ऐसे ही रहता है, राइट। एंड फिर आप ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा घर आते हैं, घर में आकर के थोड़ा आराम करते हैं, खाना खाते हैं, एंड यू नो आपका जो है ये आपका ब्रेक टाइम हो गया 2 PM से लेकर के 4:30 PM तक है, ठीक है। अब 4:30 पे आपके लैंड साइंस का लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जैसे ही आपका लेक्चर आए ना, आप कोशिश ये कीजिए कि आप उस लेक्चर को उसी दिन ही देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपका लेक्चर अगर 1.5 आवर का लेक्चर है तो आपको 1.5 आवर ही करना है, आप थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ी स्पीड कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, थोड़ी सी आपको लगता है कि भाई मैं अपना थोड़ा सा टाइम जो है यहाँ पे बचा सकता हूँ, तो आप जो है थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए, 1.5x पे भी देख लीजिए, ठीक है। 2x पर मत देखिएगा, 2x पे तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है, तो आप थोड़ा सा लेक्चर की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। वैसे मेरी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि मैं जिस स्पीड से पढ़ाती हूँ वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हैं तो ज़्यादा स्पीड में करेंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आ सकता है। एनीवे, तो बस ये है कि आपका लर्न साइंस का लेक्चर जो है वो 4:30 से लेकर के 6 PM तक हो सकता है, या इससे कम भी हो सकता है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि वो लेक्चर पे डिपेंड करेगा कि लेक्चर आपको लेक्चर की ड्यूरेशन कितना है। उसके बाद आप फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, क्योंकि भाई पढ़ने के बाद तो आपको थोड़ा ब्रेक की जरूरत ही होती है। फिर आप अपना होमवर्क ये 7 o'clock से लेकर के 12 AM तक के आप जो है अपना होमवर्क कर लीजिए, या 12 से जो भी आपका जो भी कुछ करना है वो आप कर लीजिए, ओके। तो ये छोटा सा जनरल सा टाइम टेबल है जो सभी बच्चों को फॉलो करना है। इस टाइम टेबल में बस मेन बात ये थी मेरी कि आप ये समझिए कि जिस टाइम, जैसे कि आप ट्यूशन का टाइम होता है ना, आपको पता है आप उस टाइम ट्यूशन लेते हैं या कोचिंग जाते हैं या कहीं भी कुछ भी करते हैं, तो आपका जो लेक्चर का टाइम होगा वो मैंने ऐसे ही रखा है जो बिल्कुल आपके ट्यूशन का टाइम हो, ठीक है। कि जैसे मैं आपके लिए पर्सनल ऐसा समझिए कि मैं आपकी पर्सनल ट्यूटर हूँ, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई डाउट आता है या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और जो लेक्चर जिस दिन आ रहा है उस लेक्चर को आपको उसी दिन देख लेना है, उसी दिन आपको फॉलो कर लेना है, एंड उसी दिन आपको जो भी चीज़ मैं आपको याद करने के लिए दूंगी, जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपको कर लेनी है। आई होप सो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है जल्दी ही मिलते हैं आपके 1st of August को बहुत ही अमेजिंग धमाकेदार वीडियो के साथ, एंड आपका फर्स्ट लेक्चर उसी दिन आने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और जो बच्चा आप जो आपके क्लास फेलोज हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लर्न साइंस से वो कुछ फ़ायदा उठा सके। तो और आप लास्ट में हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा, साथ साथ जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में 1st of August को आपकी धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।